बताता, मेरा नाम के सूर्यकांत है, मैं बाय क्वालिफिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ। 32 इयर्स का मेरा इंडस्ट्री का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है और 2014 से मैं एज ए फ्रीलांस ट्रेनिंग में हूँ, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में मैंने इंजीनियर टू प्लांट हेड से काम किया है। तो मेरे ध्यान में आया कि शॉप फ्लोर के एम्प्लॉई से लेके मिडिल मैनेजमेंट तक को प्रॉपर गाइडेंस और ट्रेनिंग नहीं मिलता है, करके वो उनका ग्रोथ नहीं होता है। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि इस क्लास के लिए मुझे कुछ काम करना है, इसलिए मैंने रिटायरमेंट लेके अपना ट्रेनिंग सेशन शुरू किया। सो अब तक मैंने 5000 से ऊपर के लोगों को ट्रेनिंग दिया है और अलग अलग इंडस्ट्री में काम किया है। फिलहाल मैं फार्मास्यूटिकल, प्लास्टिक, कोरिगेशन और एक मल्टीनेशनल कंपनी और पीताम्बरी करके कंपनी, पीताम्बरी प्रोडक्ट मतलब बर्तन घिसने का पाउडर, हाँ वो थाना में, और 300 करोड़ की कंपनी, तो वहाँ पर भी ट्रेनिंग होता है मेरा। ऐसे 5-6 कंपनी जो लॉन्ग टर्म मेरे उनके साथ टाइप है, स्पेशली एम्प्लॉय के लिए और शॉप फ्लोर के टीम के लिए। मेरी स्पेशलिटी 5 ईयर्स काइजन, कोकायो की ISO 9000, इन सब में मैं ट्रेनिंग। ये क्यों हुआ? क्योंकि मैं काम करते समय हर चीज़ अपना समझ के करता था, इसलिए वो मेरा वर्क और एजुकेशन पैरेलल में करता था, इसलिए आज मैं आपके सामने हूँ। आप में से कुछ 10 साल पहले था, अगर मैं वो बोलता था कि नहीं मेरा टाइम हुआ घर जाता हूँ, तो शायद मेरे साथ जो बाकी काम करने वाले ना उनके जैसा मैं होता था। अब उनकी स्टोरी क्या है, वो मेरे पहले से वहाँ ज्वाइन हुए और आज भी उसी पोजीशन पे और स्ट्रगल कर रहे हैं। कंपनी में मैन पावर रिडक्शन आ गया, उनको डर लगता है, बीमार हो जाते हैं कि मेरा क्या होगा, क्योंकि उन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया, अपने आप को लर्निंग मोड में नहीं रखा, और मैं ऑलवेज हमेशा लर्निंग मोड में और चेंज में रखा। इसलिए मैं आपके सामने एक लाइव एग्जांपल हूँ, आप में से ये, अगर आपको भी मेरे जैसा बनना है तो जिस कंपनी में है उस कंपनी में डेडिकेटली काम करो। मुझे अगर लॉन्ग टर्म काम करना है तो जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए दिन रात काम करो। पैसा बाय प्रोडक्ट है, मनी बाय प्रोडक्ट है, लेकिन नॉलेज है ना, पूरा खत्म होने के बाद आप जहाँ खड़े होंगे ना वहां से पैसा अपनी शुरू होगा, लेकिन सिर्फ पैसे के लिए काम करेगा तो एज होने के बाद आपको कोई खड़ा नहीं करेगा। बोले तुझे क्या आता है? कुछ नहीं आता है। अब बोलेगा वो करेगा नहीं। अभी न्यू जनरेशन आया जो एडवांस है, जो हमसे भी ज्यादा स्पीडी, ग्रास्पिंग पावर अच्छा है, सस्ता है और बेहतर है, क्वालिटी है। तो मैनेजमेंट ऑलवेज सोचेगा कि तू बाजू हो जा, तेरे से सस्ता आ रहा है हाई स्पीड। तो अगर हमें उनको रखना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें अपने आप को चेंज में रखना पड़ेगा। ऑनली चेंज इज अ कॉन्स्टेंट, इसका मतलब क्या है? ऑनली चेंज इज अ कॉन्स्टेंट, चेंज ही स्थिर है, यानी हमेशा चेंज हो रहा है। चेंज ने ही अपनी हैबिट को स्थिर रखा है कि मैं हमेशा चेंज रहता हूँ। टेक्नोलॉजी कितना चेंज हुआ है ना, सो जो हमारे खिसे में आया हुआ मोबाइल इतना चेंज और एडवांस है, सो हमारा क्या है? कितने लोगों के पास नोकिया फोन है? किसके पास नहीं? सब एंड्रॉयड है, लेटेस्ट है। क्यों? जब आपको नोकिया नहीं चलता है तो कंपनी को कैसे चलेगा नोकिया वाला आदमी? हेलो, जब आपको नोकिया नहीं चलता है तो कंपनी को नोकिया जैसा आदमी कैसे चलेगा? चलेगा क्या? हेलो, नहीं सर, तो हमें चेंज होना पड़ेगा कि नहीं? मेरे खिसे में एंड्रॉइड है लेकिन मेरा एटीट्यूड नोकिया है। तू नहीं तो और सही भाई। इफ यू कांट चेंज योर सेल्फ, सिस्टम विल चेंज यू। इसका मतलब क्या है? इफ यू कांट चेंज योर सेल्फ, अगर आपने अपने आप को चेंज नहीं किया तो सिस्टम आपको चेंज करेगा। कि तुम कितने भी सेठ का भरोसे का आदमी हो, कितना भी क्लोज हो, तो भी सिस्टम जब एक्सेप्ट करेगा ही नहीं तुमको। हेलो, मेरी जो बात है ना यहां पर लगेगी तो सॉरी, लेकिन यहां लगेगी तो ही यहां बैठेगी और आप कुछ काम करोगे, नहीं तो जिंदगी ऐसे ही चलेगी और एक दिन जब आएगा तब आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं। ओके, सो हम चलते हैं आगे।